नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका रामा। आज हम बी एड सेकेंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और यूनिट है आपकी फर्स्ट रिवीजन वर्क, यानी कि आपके तीन यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और वापस पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका रिवीजन वर्क चल रहा है, जिसमें यूनिट फर्स्ट है वित्तीय लेखांकन में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, और जिसमें आपका टॉपिक है वित्तीय लेखांकन पाठ्यक्रम को विकसित करने के सिद्धांत, जिसमें हमने व्यापकता का सिद्धांत पढ़ा, प्रेरणा का सिद्धांत पढ़ा, क्रियाशीलता का सिद्धांत पढ़ा, उपयोगिता का सिद्धांत पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे चयन का सिद्धांत। फिफ्थ है चयन का सिद्धांत। चयन के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि वित्तीय लेखांकन का जो क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत है, विशाल है, व्यापक है। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले निर्माताओं से यह आशा की जाती है, यह अपेक्षा की जाती है कि वो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उन सूचनाओं को, तथ्यों को, घटनाओं का चयन करें, यानी कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ऐसी सूचनाएं, घटनाएं, तथ्यों का चयन करें जिससे ज्ञान प्राप्त करके छात्र आपस में उदारता, सामाजिक सहिष्णुता, लाभ प्राप्त करें और स्वयं में सीखने की, यानी कि सहिष्णुता की भावना स्वयं में अर्जित कर सके और अर्जित करके सामाजिक हित में कार्य कर सके। नेक्स्ट है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। सिक्स है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, यानी वित्तीय लेखांकन शिक्षण विषय का जो पाठ्यक्रम है वो छात्र के जीवन से संबंधित होना चाहिए। जिससे छात्र के जीवन में उस ज्ञान का लाभ प्राप्त करें, यानी कि छात्र ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़कर अपने जीवन में उस ज्ञान का उपयोग कर सके और किसी कार्य को करने में वो ज्ञान काम आए, वो ज्ञान अर्जित ज्ञान काम आए, ऐसा पाठ्यक्रम जो जीवन से संबंधित होना चाहिए। साथ ही ये है कि किसी व्यवसाय को छात्र शुरू करना चाहता है तो शुरू करने के लिए उसका वह ज्ञान जो उसने संबंधित पाठ्यक्रम से पढ़ा है और पाठ्यक्रम को पढ़कर उसने जीवन से संबंधित वो ज्ञान उसके व्यवसाय में काम आए, ऐसा पाठ्यक्रम वित्तीय लेखांकन विषय के छात्र का होना चाहिए जो उसके जीवन से संबंधित हो। नेक्स्ट है सेवन है रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि वित्तीय लेखांकन विषय या शिक्षण का पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, यानी वित्तीय लेखांकन विषय का जो छात्र शिक्षण करता है या जो अध्यापक शिक्षण कार्य करवाता है वो शिक्षण कार्य करवाने वाला अध्यापक ऐसे पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करे छात्रों के सामने जिससे छात्रों की रुचि उत्पन्न हो, छात्र रुचि लें और रुचि के आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम उनका होना चाहिए। नेक्स्ट है कुशल अध्यापकों का सिद्धांत। कुशल अध्यापकों के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण के विषय का पाठ्यक्रम निर्माण करने में कुशल अध्यापकों के द्वारा समग्र पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना आवश्यक है, यानी कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण विषय का जो पाठ्यक्रम है वो कुशल अध्यापकों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। कुशल अध्यापकों के द्वारा समग्र पाठ्यक्रम को बनाना आवश्यक है, समग्र पाठ्यक्रम की रूपरेखा को बनाना आवश्यक है। क्यों बनाना आवश्यक है? ताकि छात्र उस ज्ञान को अर्जित कर सके, और अगर इसके बिना, यानी कि पाठ्यक्रम अगर समग्र रूप से रूपरेखा तैयार नहीं होगी या अच्छे स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण नहीं होगा तो संभव है कि छात्र उससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए कुशल अध्यापकों के द्वारा वित्तीय लेखांकन विषय का पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए, उसकी रूपरेखा का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है नाइन है व्यवहारिकता का सिद्धांत। व्यवहारिकता
व्यवहारिकता का सिद्धांत, नाइन है व्यवहारिकता का सिद्धांत। व्यवहारिकता का सिद्धांत, व्यवहारिकता के सिद्धांत से तात्पर्य क्या है कि वित्तीय लेखांकन विषय का जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण करते समय, वित्तीय लेखांकन विषय का जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण करते समय व्यवहारिक क्रियाओं को, विषय वस्तु को, व्यवहारिक क्रियाओं और विषय वस्तु के अंतर्गत, व्यवहारिक क्रियाओं विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। यानी कि व्यवहारिकता के सिद्धांत के दौरान यह है कि वित्तीय लेखांकन पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय, वित्तीय लेखांकन पाठ्यक्रम को विकसित करते समय पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यवहारिक क्रियाओं को, व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा विषय वस्तु को, व्यवहारिक क्रियाओं और विषय वस्तु के अंतर्गत ही पाठ्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सहसंबंध का सिद्धांत, है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत यानी कि जितने भी सामाजिक शास्त्र हैं इस अध्ययन प्रक्रिया में उपलब्ध हैं, यानी कि जितने भी सामाजिक शास्त्र हैं उनका सहसंबंध होना चाहिए, यानी एक विषय का दूसरे विषय से संबंध स्थापित करना। तो कहने का मतलब यह है कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण में सभी बातों को, यानी कि सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, साथ ही किसी पक्ष का अध्ययन करने पर बल दिया जाना चाहिए। यानी कि एक पक्ष का अध्ययन करने पर बालक दूसरे पक्ष में भी वो काम आए, यानी कि एक विषय का जब बालक अध्ययन करता है तो उसके दूसरे विषयों से संबंध रखता हो, ऐसा सहसंबंध का पाठ्यक्रम, ऐसे सहसंबंध वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। साथ ही मानव क्रियाओं का अध्ययन, यानी कि मानव क्रियाओं का अध्ययन करके मानव हित के लिए क्रियान्वित हो, ऐसे पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जितने भी सामाजिक शास्त्र इस अध्ययन प्रक्रिया में उपलब्ध हैं उन सभी में मानव संबंधित किसी न किसी पक्षों का अध्ययन किया है और किसी न किसी पक्ष का अध्ययन कर उस पर बल दिया है। साथ ही वित्तीय लेखांकन शिक्षण में उन सभी बातों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे मानव क्रियाओं का अध्ययन करके मानव हित क्रियान्वित हो सके, यानी कि मानव हित के लिए पाठ्यक्रम तैयार हो सके, ऐसे सहसंबंध का सिद्धांत दिया है जो एक विषय को पढ़कर बालक दूसरे विषय में भी वो पाठ्यक्रम काम आए और दूसरे विषय से भी उसका सहसंबंध हो, ऐसा पाठ्यक्रम का विकास होना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत आपके कंप्लीट हुए। नमस्कार, धन्यवाद।